इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इस समय राजनीति का बाजार काफी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग इस पर सख्ती बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI को फटकार भी लगाई थी, क्योंकि SBI बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग से साझा नहीं करी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने जब ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी, इसके बाद तमाम पार्टियों को जो चंदा मिला उसकी जानकारी सामने आ गई थी। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम कंपनियों ने देश की पार्टियों को फंडिंग दी थी, जिसके बारे में अब खुलासे हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चंदा BJP को मिला है, लेकिन इस बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK ने भी एक पार्टी को मोटी फंडिंग दी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है और इसी नाम से तमिलनाडु की पार्टी AIADMK यानी कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी को CSK की ओर से मोटा चंदा दिया गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक AIADMK को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक AIADMK को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 6.05 करोड़ रुपए मिले हैं और इसमें से 90% के करीब पैसा CSK क्रिकेट लिमिटेड से आया है। बता दें कि CSK क्रिकेट लिमिटेड कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया सीमेंट है, जिसके मालिक N श्रीनिवासन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड ने यह चंदा साल 2019 में इस पार्टी को दिया था और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये 2 दिनों के भीतर ही चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपए की फंडिंग इस पार्टी को दे दी थी। 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स ने ये पैसे 2 से 4 अप्रैल के दौरान दिए थे। हालांकि इसके बाद इस पार्टी को CSK ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 भी रुपया नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2019 में AIADMK के खाते में कुल 6.05 करोड़ रुपए आए, जिसमें CSK ने कुल 29 बॉन्ड खरीदे थे, उसमें से केवल एक बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का था, बाकी सब 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड उन्होंने खरीदे थे। आखिर ये AIADMK पार्टी क्या है और अब इसका हाल कैसा है? एक वक्त था जब AIADMK कभी तमिलनाडु में सरकार चलाने वाली पार्टी हुआ करती थी। 2016 में अपनी सबसे बड़ी नेता जे जयललिता के निधन और पार्टी में आंतरिक कलह के चलते पार्टी की स्थिति कमजोर होती चली गई। इसके साथ ही चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर होता चला गया। 2019 का लोकसभा चुनाव AIADMK के लिए जरूरी था। पार्टी अपनी राजनीतिक विरासत बनाए रखने के लिए संघर्ष भी कर रही थी। हालांकि उस आम चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और मौजूदा स्थिति भी इस पार्टी की बहुत खराब है। लेकिन इन सब के बीच जो इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर है और CSK की कंपनी जो इतना पैसा दिया है उसने AIADMK को, वो सबको चौंका देने वाली खबर है। क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।